धन वाहिगुरु जीओ। फरीदा कोठे मंडप माड़िया उसारें दे पी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आए पए। फरीदा कोठे मंडप माड़िया उसारें दे पी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आए पए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु सवारी सात संगत जीओ, सतगुरां दी बख्शिश दे पात्र बन के बड़े अदब सत्कार नाल आप जी ने गुरु महाराज दी पावन बाणी दे पाठ ते कीर्तन गुरु सवारियां पासों श्रवण कीते हन। गुरु मेहर दा सदका आपां रोजाना दे दीवाना विच बाबा शेख फरीद साहब जी दी चार शब्दां नू बाणी नू विचारण उपरंत तिन्हां दे उचारण कीते हुए सलोकां नू लड़ीवार इन्हां दीवाना विच समझण दा विचारण दा इह यतन कर रहे हां। जिस पावन सलोक दा आप जी ने पाठ सरवण कीता है, 46 नंबर सलोक है। जो प्रकरण इन्हां सलोकां दे विच चल रहा है, जो उपदेश लड़ीवार बाबा शेख फरीद साहब जी ने दो तीन नुकते खास जिन्हां दी व्याख्या जो हुण तक आपां सलोक विचारे हन वक्रे वक्रे पक्खां तों कीती है, असी देखा देखी दी जिंदगी जिउंदिया होया उन्हां सारियां मानसिक परेशानियां ते उलझणां दे शिकार हुंदे हां, जिन्हां परेशानियां ते उलझणां दा बाकी सारा समाज ते दुनिया शिकार है। असी दरवेशी दा मार्ग छड के चलां दुनिया भत इस मार्ग दे पांधी बनदे हां। दुनिया दी भांत चलण लई इत्थे दुनिया दी भांत चलण तों हिरस लालच लोभ द्वैष पाप गुनाह उह सारा कुछ है। दरवेशी तों भाव है इन्हां सारियां चीज़ां तों मुक्त हो के अपनी आत्मा अपनी सुरत नूं अपने जीवन नूं परमेश्वर दे गुणां ते इबादत वाहिगुरु दी होंद दे अहसास विच रंगणा। जिथे वह मानसिक आत्मक कमजोरियां नहीं जिहड़ियां चलां दुनिया भत दुनिया दे राह ते चल के हन, दरवेशी वह मार्ग है। एक शब्द वरत्या बाबा शेख फरीद साहब ने, विस गंदना, भाव वह काम वह विकार जिहड़े वेखण वास्ते सोहणे हन हंडाउण विच मिठे लगदे हन पर उन्हां दा जिहड़ा रिएक्शन है जिहड़ा प्रभाव है वह जहरीला है नुकसानदायक है। उसे दी व्याख्या अगे तो अगे करदे हां। बाबा शेख फरीद साहब ने फरमाया, कहण लगे, फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, कोठे तो भाव साडे घर तों है कमरियां तों, मंडप दा भाव हुंदा है शामियाना। अमीर लोग जदों किते जांदे सन तो अपना शामियाना नाल लैके जांदे सन, किते भी रुकना जिन्ना को कोई अमीर है उन्ना को उसका शामियाना सोहना हुंदा, महंगा हुंदा, वधिया हुंदा। बादशाह जदों एक जगह तो दूजी जगह सवारी करदे सन रस्ते विच सफर उत्ते हुंदे सन तां उन्हां दे बड़े कीमती शमियाने गलीचे ते हर चीज जिहड़ी सी उह नाल
ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਅਟਾਰੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੀ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਭੀ ਗਏ। ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਉਜਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਹਿਰਸ ਵਸ ਫਸ ਕੇ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੇਵਲ ਘਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਕੂੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਖੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਥੋੜ ਵਿੱਤਾ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ, ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਭ ਹਿਰਸ ਵਸ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਖੱਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਮੰਡਪਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਆਨਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਓੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸ਼ੇਖ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਿੰਥੜ, ਖਿੰਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਾਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਲਾ ਹੋਵੇ ਲੰਮਾ, ਨੂੰ ਗੋਦੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੜੀ ਖਿੰਥਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਂਕੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
सूई धागे नाल बंदे ने टांके ला के गोदड़ी सीती होवे। बाबा फरीद साहब कहिंदे उहदी भी कोई म्याद है, इह कुछ समा कढ जांदी है पर शरीर की म्याद कोई नहीं। एक सधारण जी लीरां दी गोदड़ी दी म्याद है, उहदे टांकियां दी म्याद है भी कुछ समा कढ जाणगे। बंदा कपड़ा वेख के कहिंदा हंडेगा, टांके लगे होण कपड़े नूं, सूई धागे नाल सीता गया होवे तां बंदा कहिंदा नहीं एड्डी छेती दी इहनूं कुछ हुंदा। पर जिंद बारे, जीवन बारे, शरीर बारे दावा नहीं कीता जा सकता, ते ना ही इहनूं गोदड़ी वांग बाद च टांके लाए जा सकदे। जिंद शरीर चो निकले, श्वास ते शरीर दा तुसी टांका ला लोगे नहीं लगेगा। ते इहदी म्याद भी नहीं तय की जा सकती भी इन्ना समा यह शरीर जीवित रहेगा। हम आदमी हा एक दमी मोहलत मोहत ना जाना। तो बाबा फरीद साहब कहिंदे ने फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां, जिंद ना काई मेख, जिंद नूं कोई टांका नहीं, कोई जोड़ नहीं, परमानेंटली इहदा कोई मोहलत समा नहीं, कोई दावा नहीं। वारी आपो अपनी चले मसाइक, सिख अपने अपने समय ते अपनी अपनी वारी ते वड्डे वड्डे शेख शेख बजुर्ग विद्वान सियाने दाने ऐसियां उपाधियां वाले नूं कहिंदे, वड्डे वड्डे धनी पुरख भी, वड्डे वड्डे दाने पुरख भी, वड्डे वड्डे धार्मिक रहनुमा भी, हर तरह के लोग मसाइक जिहड़े हन उह भी अपनी अपनी वारी ते सारे तुर जांदे ने, चले जांदे। फरीदा दोहों दीवी बलंदियां मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। ये फरीद, ये अखां रूपी दो दीवे जगदे हन, दोहों दीवी बलंदियां भाव अखां खुलियां ने, संसार दिस रहा है, जो कुछ वापर रहा आले दुआले सानू नजर आउंदा है। इन्हां अखां दे खुल्लियां हुंदियां, अखां दे दीदियां होयां, अखां नाल दिसदियां होयां, जिंद हुंदियां, प्राण हुंदियां, की हुंदा है? मलक बैठा है। मौत दा समा साडे शरीर दे उत्ते आके हावी हो जांदा, मौत आ जांदी है, शरीर नूं अपनी गिरफ्त विच लै लेंगी, ते फिर की हुंदा है? गढ़ लीता, उह शरीर ते कब्जा कर लैंदा है। घट लुटिया, शरीर नूं लुट लैंदा, शरीर दे अंदर दी कीमती चीज वो खो लैंदा। की लुटदा? साडे साह, साडे जीवन दा समा, साडी आत्मा चेतना शरीर चों निकल जांदी। गढ़ लीता, घट लुटिया, ते की हुंदा फिर? दीवड़े गया बुझाए। ये अखां रूपी दोवें दीवे वो बुझा दिंदा। जिन्हां अखां नाल जगत दिसदा हुण नहीं, अखां ते हन दीदा कख नहीं, कन्न ते हन सुणदा कख नहीं, शरीर ओ ही है, हरकत खत्म हो जाती है। मौत ऐसी प्रभावशाली होकर इस शरीर को अपनी गिरफ्त में लेंदी है। फिर फरमाते हैं फरीदा वेख कपा है जे थिया जे सिर थिया तिड़ा। हे फरीद, कुछ चीजा वल ध्यान कर, तू कपाह वल वेख। कपाह वड़ेव्या जमीन च बीजा जाता है, फिर उहदा अंकुर फुटदा है, कपाह दा बूटा हुंदा है, उहनूं टींडे लगदे ने, फिर उह खिड़दे हन, फिर उहनां दे विचों फुटियां नूं कढ के फिर उहनूं पिंजिया जांदा है, ते वड़ेवें ते रूह अड अड कीता जांदा है। फिर रूह नूं लंबे प्रोसैस विचों कढ के धागियां दे रूप विच कत्तिया जांदा है, अजकल तां मशीनां ने, फिर कपड़ा बुणिया जांदा है खड्डी दे उत्ते। सो इन्ना लंबा प्रोसैस है। ते जिस वेले जिसनों भाई गुरदास जी ने भी अपनी एक पौड़ी वेच सारे प्रोसैस नूं बड़े संखेप रूप वेच अपनी पौड़ी दे वेच बयान कीता है, भाव कहण तो यह है बाबा शेख फरीद साहब कहिंदे वेख कपाह है जे थिया। कपाह दे फुटियां नाल की हुंदा, उन्हां नूं पिंजिया किवें जांदा है? रूं कढ़न वास्ते ते वड़ेवें अड करन वास्ते, जिवें उन्हां नूं पिंजिया जांदा है ना, पिंजे दे वेच, मशीन दे वेच। वेख कपाह है जे थिया, जे सिर थिया तिड़ा, तिल जड़े ने उन्हां चो तेल कढ़न वास्ते उन्हां नूं कोलू दे विच पीड़िया जांदा, नपीड़िया जांदा। फिर लिखते हैं
कमादै अर कागदै कुन्ने कोयलिया। कमाद नाल की हुंदा गन्ने नाल, उहदे चों रस कढ़ना होवे ते उसनूं वी कुल्हाड़ी दे विच वेलणे विच पीड़िया जांदा है उहदा रस कढ़न वास्ते। कागदै कागज़ दी किन्नी कु समर्था हुंदी है, पानी दी इक बूंद उसनूं गाल के ते जरा जिन्नी अग्नि उहनूं साड़ के राख कर देंदी है। कुन्ने कुन्ना कहिंदे हन मिट्टी दे भांडे नूं, जिन्हों आपां हांडी भी कहिंदे हां। मिट्टी दा उह भांडा बनिया होया जिहदे विच सवाणियां पानी गर्म रख के जां होर चीजां चुल्हे ते रख छड्डदियां सन, उह सारा दिन तपदा रहिंदा। गर्म पानी वाला भांडा ते कदे चुल्हे तो लहिंदा ही नहीं सी। उह जिवें अग दे उत्ते सड़दा है हर वेले, उहदे थले थोड़ा थोड़ा बालण, थोड़ी थोड़ी अग जिहड़ी आ उह बली जांदी। अखीरला लफज वरत्या कोयल है, कोला कोला जिवें सड़ के सुरख हुंदा है। ये सारिया उदाहरण बाबा शेख फरीद साहब ने दित्तियां, कहण लगे तेरे नाल भी बीत रहा है ते बीतेगा ही। लोभी बंदा, हिरसी बंदा, ईरखालू बंदा, क्रोधी बंदा, कामी बंदा, द्वैशी बंदा, इन्हां वांग अपने आप नूं अपनी आत्मा नूं नपीड़दा है, दुख सहिंदा है हर वेले, पर फिर भी ढीठ होकर इस दुख नूं सही तुरिया जांदा। उहदे नाल भी इन्हां वर्गी बीतदी है। विकार मिठा लगदा है पर ओड़क नूं उहदी सजा ऐसी है, जे इन्हां नाल वापरदा है ना, जिन्नी जिहड़ियां उदाहरणां दित्तियां वापरदा उहदे नाल भी इसे तरह ही है। उहदा भी आत्मा पीड़िया जांदा है, सुरत पीड़ी जांदी है, उहदा भी मन, उहदा भी जीवन इन्हां दुखां दे विचों गुजरदा है लगातार। तो उह सारियां उदाहरणां दे के आखदे ने मंदे अमल करेंदिआं इह सजाए तिन्हां, ये सारिया सजावां उहदे हिस्से ने जिहड़े जीव मंदे अमलां विच ग्रसे हुए ने। अमल तो भाव हुंदा है प्रैक्टिकल जीवन जिहड़ा है, जिसनूं आपां करनी कहिंदे आ, जिसनूं आपां जीवन चज विचार कहिंदे आ, वी जिस तरह का मनुख का जीवन का ढंग है उहनूं अमल कहा जांदा, कर्म करना, प्रैक्टिकल लाइफ। जिस दे अमल विच मंदा काम है, मंदे अमल, मंदे अमल करेंदे आ इह सजाए, जो उपर जिहड़ियां जिन्नियां चीजां गिणियां ने, की गिणिया, कपाह दा जिक्र कीता है, तिलां दा जिक्र कीता है, कमाद दा, कागज दा, कुन्ने हांडी दा, कोयले दा, इह सजाए तना, समझो इह सारियां सजावां उहदे हिस्से च। उह इसे तरह ही जिंदगी हंडाउंदा है। जे कली कली उदाहरण नूं आपां खेचल नाल समझण दा यतन करिए, हुण जिवें हांडी दी लै लो, हांडी तपदी रहिंदी है ना, महाराज ने बाणी च कहा जीओ तपत है बारो बार, कोड़ा सड़दा, साडे अंदर भी सदा एक सड़हांद रहिंदी, तपश रहिंदी है, असाड़ तपंदा तिस लगे। हर एक उदाहरण का महाराज ने एक तत् भाव बयान किया। तो अगलेरे श्लोक में बख्शिश करते हैं, फरीदा कन मुसला सूफ गल दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। ये एक लिबास दा पहरावे दा जिक्र है। खास तौर ते फकीर लोग जिहड़े सन इस तरह दा अपना लिबास इस तरह दा बाहरों वह नजर आउंदे सन। कन कंधे नूं कहिंदे ने, मोढे नूं, मुसल्ला उस कपड़े नूं कहिंदे ने, जां चटाई जां कपड़ा जिन्हों विछा के एक नमाजी उहदे उत्ते नमाज अदा कर। तुसी कई नमाजी सज्जन वेखे होणगे, तीन नुकरा कपड़ा उन्होंने पिछे में मोढ़िया दे उत्ते सुटिया हुंदा, एक नुकर उहदी पछाह नूं, दो नुकरा मोढ़े तो अगे लमकदियां हुंदियां, कपड़ा उहनूं भी मसल्ला कहा जांदा। कि जिथे नमाज, जिहड़े नमाजी ने उहनां पंज नमाजां दिन च पढ़नियां, सवेर तो लैके रात तक। रात दी जदों ईशा दी नमाज हो जांदी है ते फिर उहनां दा फर्ज़ पूरा हुंदा। ते नमाज दा जिहड़ा समय जदों भी हो गया, जिथे भी हो गया, उत्थे उहनां मसल्ला विछाया ते नमाज अदा कीती। इह निशानी है भी नमाज खुंझाउणी नहीं, ते मसल्ला विछा के तां कि कपड़े साफ रहन, उस मसल्ले दे उत्ते खलो के सिजदा करना, नमस्कार करनी ते नमाज अदा करनी। सो मसल्ला निशानी है नमाजी होण दी।
आखते ने मोडे दे उते मुसल्ला है, कन मुसल्ला, सूफ गाड़, सूफ का मतलब हुंदा है काले कपड़े, खफनी, फकीर लोग खफनी पहनते सन, काले कपड़े सूफिया वाले। इहदी भी एक बैकग्राउंड है, पिछोकड़ है। सूफिया ने जदों सूफिया ते जुल्म होए सन काजियां द्वारा, तंग दिल लोगों द्वारा, तो उन्होंने काले वस्त्र आरंभ कर लै पहनने। उन्हां वल वेख के हुण सूफी फकीरां दा, रब्बी दरवेशां दा, नेक अमलां करके, उन्हां दे जीवन करके, उन्हां दी सादगी करके सत्कार सी। पर कई ऐसे भी हुंदे ने भी वह पहरावा उह जिहा पा लैंदे ने, कमाई ते कर्म उन्हां दा चंगा नहीं हुंदा, वह पहरावे चों सत्कार खटदे रहिंदे। उन्हां नूं समझिया जांदा भी दरवेश ही होणा, इहदे मोढे ते मुसल्ला है, गल च खफणी है, जबान तों मिठे बोल, रब वाले रब दीआं गल्लां करदा है, ये भी फकीर ही होएगा। किसे नूं अंदर दा की पता, उन्हें पहरावा वेख्या समझिया, जो जे बाकी दरवेश ने यह भी दरवेश ने, तो निर्णा करना औखा हो जाता। तो उस पासे इशारा करदे हां बाबा शेख फरीद साहब ने फरमाया, फरीदा कन मुसल्ला, सूफ गढ़, सूफिया वाले काले वस्त्र खफनी गल विच पाई हुई है, दिल काती गुड़वाल, जबान दे बोल बड़े मिठे ने, रब वाले, धर्म वाले, अल्लाह ताला दीयां गल्लां करन वाले, पर दिल काती, काती शुरी नूं कहिंदे ने, करद नूं, शुरी नूं, चाकू नूं, पर दिल विच शुरी चल रही, दिल च शुरी चलण दा भाव हुंदा है अंदर माड़े ख्याल, शिकार, अगले नूं कौण वाले, अगले दा शिकार खेडण वाले विचार ने, अंदर अंदर माड़े ख्याल चलते ने, किसी के प्रति चंगी नीयत नहीं है तेरी, तेरी नीयत साफ नहीं, पाक नहीं, मैली नीयत दा है तू, पर बाहरों तेरा लिबास कितना उच्चा है, बाहर दिसै चानना दिल अंधेरी रात, बाहरों तो तू चानण वर्गा लगता है, प्रकाशमान, बिल्कुल ऐन सोहना, सुनखा, धर्मी, पद्धर पुरश, जिन्हिया भी चंग्याई दियां निशानियां बाहरों उभारियां जा सकन, तू नजर आना चानण वर्गा, पर दिल अंधेरी रात, जे तेरे अंदर मंदे ख्याल चल रहे हैं, तेरी नीयत अपवित्र ते पलीत है, तो तेरे अंदर काली बोली हनेरी रात पई हुई है। जिहो जिहा चानण तो बाहर विखावे वास्ते वरतदा, इहो जिहा तेरे हिरदे विच नहीं, ते जे तू अंदर भी चानण चाहुंदा है तो उस खुदा की इबादत विच जुड़, रब्बी गुणा नाल जुड़, अपनी नीयत नूं पाक ते साफ रख, तू सचमुच ही दरवेश होएगा, तू सचमुच ही रब वाला होएगा। गरीब नवाज, बख्शिश करन, अगले श्लोकां दी विचार अगलेरे दीवाना विच जदों मालक जी ने समा बख्शिश कीता आपां जरूर करन दा यतन करांगे। इस बाणी दी विचार करदिआं होइआं सतगुरु पातशाह होइआं फुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शण, आप सभनां दा धन्नवाद। अदब सहित गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।